किसी व्यक्ति का मरण एक नई काया के जन्म की शुरुआत होती है, और इसलिए कहा गया कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। लेकिन एक चीज शाश्वत है, और वह है विचार। इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति मानी गई है वह वैचारिक क्रांति मानी गई है। वैचारिक क्रांति के बगैर आज तक कोई क्रांति सफल नहीं हो पाई है, और उस वैचारिक क्रांति के एक शाश्वत प्रतीक थे आदरणीय चंद्रशेखर जी, जिनकी आज हम 91वीं जयंती यहां पर मना रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में कई वर्ष संसद में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वैचारिक रूप से हम दोनों ध्रुव विरोधी पार्टियों से संबंधित थे, लेकिन उस सब के बावजूद मेरा विरोध उस समाजवादी विचारधारा से था, जो समाजवादी विचारधारा समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को, जातिवाद को, अराजकता को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देती थी, और मैं उसके खिलाफ लड़ता था। इसके विपरीत जब मैं समाजवाद के प्रतीक के रूप में आदरणीय जयप्रकाश जी को, आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सुनता था, उनको पढ़ता था संसद की पुस्तकालयों में, तो मुझे लगता था कि आखिर समाजवाद कहां खो गया है। लेकिन संसद में जब मुझे आदरणीय चंद्रशेखर जी के भाषण सुनने को मिलते थे, तो मुझे लगता है कि आज भी समाजवाद का एक पुरोधा इस संसद में है, जो सही मायने में समाजवाद को जीवंत रखा हुआ है, और वह है कि चंद्रशेखर। बहुत नजदीक से जब उनके भाषणों को सुनने, उनके पुराने भाषणों को संसद में मुझे जानने देखने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मुझे मेरी वो भ्रांति दूर हुई कि वास्तव में समाजवाद के नाम पर हमारे मन में जो धारणाएं हैं वह इस प्रकार के महापुरुषों पर नहीं फिट बैठती है। और तब मुझे इस बात का आभास हुआ कि वास्तव में विचारधारा कोई भी हो, लेकिन उसका लक्ष्य एक है, लोक कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का, और वह मार्ग सभी ने एक साथ लेकर के आगे बढ़ाया है, चाहे वह हम लोगों के राष्ट्रवाद का मार्ग हो, चाहे वह समाजवाद का वह मार्ग हो, जिसको कभी जयप्रकाश जी ने, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया था। अगर वह विचारधारा सही मायनों में आगे बढ़ती तो सचमुच इस देश का कल्याण होता, और चंद्रशेखर जी उस परंपरा के एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। यद्यपि हम लोगों ने शास्त्र में यह पढ़ा है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्याम और सत्यम अप्रियम, लेकिन मैंने फिर भी इस बात को महसूस किया कि सत्य कभी कभी बहुत कड़वा होता है, लोगों को उसको पचाने में दिक्कत होती है, और उस कड़वे सत्य को बोलने का साहस अगर किसी एक व्यक्तित्व में था तो नाम है स्वर्गीय चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी ने मजबूती के साथ उन मुद्दों को संसद में रखा, बेबाक तरीके से रखा, एक नहीं अनेक बातों को लेकर के। मैं भी यहां बैठा हुआ था, अभी आशीष जी ने चंद्रशेखर जी के कुछ बातों को कोट करके मुझे दिखाया, जो उन्होंने कश्मीर समस्या पर कही थी, कितने विवाद टिप्पणी है। क्या आज कोई समाजवादी इस बात को कहने का साहस कर पाएगा कि कश्मीर जाएगा तो एक भूखंड नहीं जाएगा, हमारी धर्म निरपेक्षता चली जाएगी, हमारी एकता चली जाएगी, हमारी वे मान्यताएं चली जाएंगी जिन मान्यताओं के आधार पर भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन मान्यताओं के आधार पर महात्मा गांधी ने कहा था कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन दुनिया को आध्यात्मिक नेतृत्व देने की शक्ति रखते हैं। कितनी मजबूती के साथ उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर आप इस पुस्तक का अवलोकन करेंगे जो राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर जी के नाम पर संसद में दो टुक इस पुस्तक का यहां पर आज जो विमोचन हुआ है, इसके अंदर वास्तव में
इस समाज की, इस राष्ट्र की उन तमाम समस्याओं का समाधान इसके अंदर आप पाएंगे जो वास्तव में आज जिन्हें हम कभी कभी असाध्य मान लेते हैं। मुझे याद है चंद्रशेखर जी का एक भाषण मैंने इसी पुस्तक में देखा है, 1991 में पंजाब की समस्या जब चल रही थी और वहां पर चुनाव नहीं हो पा रहे थे। आप थोड़ा चंद्रशेखर जी की भाषण को पढ़िए उस समय के, उनके अंदर सचमुच इस राष्ट्र की समस्याओं को के समाधान के प्रति कितनी वेदना थी। श्रीलंका की समस्या को लेकर के इस देश के अंदर राज्यपाल और विभिन्न राज्यों में कभी कभी राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में जो विवाद खड़े होते हैं उसको लेकर के जो उनके अंदर की वेदना थी, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के प्रति उनकी अंदर क्या वेदना थी, सब कुछ आपको इस पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा। और यही कारण है कि चंद्रशेखर जी एक अनेकता है, यानी एक थे लेकिन वह अनेक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व अकेले ही करते हुए दिखाई देते थे। हम लोगों ने उनके अनेक रूपों को देखा है और सचमुच मुझे याद है जब हमारे विचार परिवार ने स्वाधीन इस देश के अंदर स्वदेशी का अभियान चलाया था, उस स्वदेशी के अभियान में अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को छोड़ करके कोई एक व्यक्ति खुल करके सामने आया था, वह नाम था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का। स्वदेशी के पूरे आंदोलन में उन्होंने खुल करके सहयोग किया था और उन्होंने उस समय भी इस बात को कहा था कि इस देश की समस्या का समाधान मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं कर सकती हैं, इस देश की समस्या का समाधान इस देश के लोगों और कुटीर उद्योगों के माध्यम से निकल सकता है और वही वास्तव में इस देश की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। कितनी मजबूती के साथ अपनी बात को कहने का उनका, और समाजवादी होते हुए भी भारत की आध्यात्मिक परंपरा किस रूप में कूट कूट करके भरी थी। एक बार राम जन्मभूमि विवाद से संबंधित किसी एक मुद्दे से संबंधित किसी एक बात को लेकर के चंद्रशेखर जी का एक बयान समाचार पत्रों में छपा। मेरे पूज्य गुरुदेव राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति के अध्यक्ष थे, उनसे जब प्रेस के लोगों ने पूछा तो मेरे गुरुदेव के मुंह से निकला, चंद्रशेखर तो नास्तिक आदमी है, क्यों उसकी बात को महत्व देते हो। वही पेपर में छपा तो अगले दिन महाराज जी से दिल्ली में चंद्रशेखर जी ने समय मांगा मिलने का, तो महाराज जी ने कहा कि जानो जी, जो महाराज जी नाराज थे चंद्रशेखर जी की बात पर, तो चंद्रशेखर जी के अत्यंत प्रिय थे जो भारत के महाधिवक्ता भी हुए थे श्री आनंद देवगिरी, श्री एडी गिरी जी को उन्होंने बुलाया। श्री आनंद देवगिरी का जो कुछ शिक्षा दीक्षा गोरखनाथ मंदिर में ही रहकर के हुई थी, गोरखनाथ मंदिर में ही उन्होंने रह करके पढ़ाई की थी, तो मंदिर से और पूज्य महाराज जी से उनका बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध था। तो इलाहाबाद से एडी गिरी बुलाए गए और एडी गिरी को बुला करके महाराज जी के पास भेजा गया। महाराज जी को लेकर के उन्होंने कहा कि किस जैसे भी हो महाराज जी को लेकर के या तो आप हमारे घर में लेके आए अच्छा होगा, घर में ना लेके आते हो तो हमारे आश्रम भोर से आश्रम में लेकर के आइए। एडी गिरी आए महाराज जी को लेकर के भोर से लेकर के चले गए। वहां गए तो महाराज जी ने चंद्रशेखर जी से कहा कि बताए क्यों बुलाया है। कहा कि इसलिए मैं बुलाया, आपने मुझे नास्तिक कहा लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूं, दोनों आप देखिए मैंने तो यहां मंदिर बनाया है, वहां हनुमान जी का मंदिर, सभी मंदिरों को उन्होंने दिखाया, कहा कि देखिए मैं तो पूजा जैसे आप लोग करते हैं, मैं सन्यासी नहीं हूं लेकिन मैं भी पूजा करता हूं, मेरी भी भारत की अध्यात्म की परंपरा पर पूरा विश्वास है, भारत के महापुरुषों पर, भारत की सनातन परंपरा पर मेरा पूरा विश्वास है और मैं इसीलिए यहां पर इस व्यवस्था को उसी रूप में संचालित कर रहा हूं जो प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा में या भारतीय भारत के आश्रम पद्धति पर जो व्यवस्था थी वही मैं यहां लागू करने का प्रयास किया हूं। कैसे अपनी यानी किस प्रकार से वो इस बातों को ध्यान में रखते थे। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी मेरे सामने कभी गोरखनाथ मंदिर नहीं आए, मैंने उनको नहीं देखा कि वह मंदिर में आए होंगे, मेरी जो भी मुलाकात हुई बाहर हुई, दिल्ली में हुई, अन्य जगह हुई। एक बार हम लोगों का एक आश्रम हरियाणा में था, वहां के मोहन जी को वहां के मुख्यमंत्री से कुछ विवाद हो गया था, उस बात को लेकर के उनको परेशान किया जाने लग गया, बड़ा परेशान उनको किया जाने लग गया, तो मैं
दिल्ली संसद में सेंट्रल हॉल में मेरी बातचीत मदनलाल खुराना जी से हो रही थी, तो मदनलाल खुराना ने कहा कि मुझसे ज्यादा वहां के मुख्यमंत्री से जान पहचान तो चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी ने कहा कि क्या हो गया ये विरज, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने कहा ठीक है मैं भी बात करता हूं। और अगले दिन उन्होंने बातचीत भी किया और एक पत्र मेरे पास भेजा, तो उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के बारे में विस्तार से लिख करके भेजा कि गोरखनाथ मंदिर इस प्रकार से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, इस प्रकार से इसकी व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की वहां की। मैंने कभी कितनी नजदीक से व्यक्ति जान रहा है मंदिर की पूरी व्यवस्था के बारे में, जबकि कभी यानी कभी हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, कभी भी उनको मैंने अपने सामने मंदिर में आते हुए नहीं देखा था। लेकिन मंदिर में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस किस प्रकार की सामाजिक सेवाओं के प्रकल्प संचालित हो रहे हैं, किस प्रकार से भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का नेतृत्व गोरखपीठ कर रहा है गोरखपुर में, इन सब का उल्लेख उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अंत में करते हुए वहां के मुख्यमंत्री को इस बात को कहा, कहा कि मैं इसलिए तुम्हें पत्र लिख रहा हूं कि धर्म सत्ता से टकराओ मत, अच्छा होगा कि आप अगर किसी पूर्वाग्रह के तहत ये कार्य कर रहे हो तो इसको वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति तय है। और अंत में उन्होंने वो पत्र जब मेरे पास आया, मैंने पढ़ा, उसकी प्रति थी, प्रति मुख्यमंत्री को जा चुकी थी, इसकी प्रतीक मेरे पास आई थी। खैर बाद में वहां की समस्या का समाधान हो चुका था हरियाणा की, लेकिन किसी भी बात को लेकर के कितनी गहराई थी, उन मुद्दों को समझने की, उन किसी बात को समझने की उनकी ताकत कितनी थी, वह भले ही हमारे सामने नहीं थी, भले ही हमारे वहां नहीं आए थे, लेकिन वहां की परंपरा के बारे में, वहां की व्यवस्था के बारे में कितना सम्मान का भाव, कितना आदर का भाव उनके मन में था, यह हम लोगों ने उनके उस पत्र के माध्यम से मैंने नजदीक से महसूस किया। सज्जनों, इस देश के अंदर आज एक नई बहस चली आ रही है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे मां भारत की वह सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा होता है, और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीर हरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था, विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं, और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। तब जब हम चंद्रशेखर जी की बातों को पढ़ते हैं जो उन्होंने एक बात कही थी, इस देश के अंदर एक सिविल कोड बनाने के, समान सिविल संहिता बनाने की, उन्होंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है, तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। और मुझे लगता है ये बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि उनके लिए अपनी विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। हमारी राजनीतिक आधार राष्ट्र के हितों पर घात प्रतिघात करके हमारी राजनीति महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, हमारी राजनीति राष्ट्र के दायरे में रहकर के होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर के होनी चाहिए। और संविधान के दायरे में रहकर के अगर सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगी तो न संस्थाओं में कोई टकराव की नौबत ही आएगी और न देश के अंदर कहीं भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत ही कर पाएगा। और मुझे लगता है कि साहस केवल और केवल चंद्रशेखर जी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता था जिन्होंने बेबाकी के साथ इन सब मुद्दों पर अपनी बातों को रखा था। कश्मीर की समस्या हो, पंजाब की समस्या हो, श्रीलंका की समस्या हो, या फिर आसपास के अपने देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की बात हो, मजबूती के साथ उन्होंने इन बातों को कहा। नेतृत्व
अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध आचरण कर रहा है, उसके खिलाफ 1975 में उन्होंने स्वयं आपातकाल के दौरान उसी कांग्रेस, जिस कांग्रेस के वे नेता थे, जिस कांग्रेस के वे सदस्य थे, उसी कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी। अलग विषय है कि 19 वर्षों तक उन्हें आपातकाल में जेल के अंदर रहना पड़ा था। नेपाल के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, चंद्रशेखर जी उसमें से अग्रणी थे। आसपास के देशों के साथ भी संबंध किस रूप में होने चाहिए, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। वे उस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर थे, और यही कारण है कि जब हम लोग संसद में गए, हम लोगों ने संसद का वातावरण देखा, चंद्रशेखर जी अकेले होते थे, लेकिन उनकी अकेले की आवाज पूरी संसद पर भारी होती हुई दिखाई देती थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर के कार्य किया था। सज्जनों, जब हम आज चंद्रशेखर जी की 91वीं जयंती मना रहे हैं, वे आज हमारे बीच नहीं है, और मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे समाजवादी नेता होंगे जिन लोगों ने अपने परिवार की चिंता नहीं की। मुझे लगता है स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मृत्यु के बाद उनके लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात आई, कौन लड़ेगा कोई पता ही नहीं था, उनका लड़का पहले से राजनीति में था ही नहीं। उन्होंने कभी भी इस बात का आग्रह नहीं किया, कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि चंद्रशेखर जी के आसपास उनके परिवार का जमावड़ा खड़ा हो, कभी नहीं देखा। सचमुच समाजवाद किस अवधारणा पर फिट बैठने वाला कोई व्यक्तित्व था, वह स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे, जिन्होंने सही मायने में समाजवाद को परिवारवाद का, समाजवाद को गुंडागर्दी का, समाजवाद को जातिवाद का अखाड़ा नहीं बनने दिया था, और प्रखरता के साथ उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, भले उसकी कोई भी कीमत उनको चुकानी पड़ी हो। आज भी चंद्रशेखर जी का जो व्यक्तित्व है, हम सबके लिए प्रासंगिक बना हुआ है। उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, देश की संसद में समाज जीवन के, राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर जो उन्होंने विचार व्यक्त किए, उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, और मुझे लगता है ये उनके विचार उस जीवंतता के साथ निरंतर ही समाज और इस राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा लेखक को और कार्यक्रम के आयोजक को भी। लेखक को इसलिए कि उन्होंने संसद की लाइब्रेरी में जो कुछ दबा हुआ था वह संसद की प्रॉपर्टी है, उसको सार्वजनिक करने का साहस दिखाया, और सार्वजनिक करके आम जनमानस के बीच में होता क्या है, एक बार भाषण हो जाता है हम लोग भूल जाते हैं, घंटा दो घंटा उसका प्रभाव रहता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, क्योंकि दुनियादारी है, 10 प्रकार के कार्यों से जूझना पड़ता है, अन्य अनेक प्रकार से लोगों के अपने अपने तरीके हैं कार्य करने के। लेकिन जब वह किसी पुस्तक के रूप में आता है और एक रेफरेंस ग्रंथ के रूप में जाता है, पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाएगा, महाविद्यालयों में जाएगा, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में जाएगी, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में जब इस प्रकार की पुस्तक जाती है, तो लोग उससे इस बात का आभास करते हैं कि वास्तव में इस महापुरुष ने कब क्या कहा, और विभिन्न अवसरों पर संसद की जो डिबेट है वह महत्वपूर्ण होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण डिबेट होती है। जिन लोगों की धारणा है कि संसद में कोई कार्य नहीं होता है, मुझे लगता है कि उनको इस मिथक को तोड़ना पड़ेगा, वे कभी जाएं संसद की कभी होने वाली उन गंभीर चर्चाओं को बनाएं। हमारा एक पक्ष है, अक्सर हम इस बात को देखते हैं, हम नेगेटिव बातों को खबर बनाते हैं, नकारात्मक चीजों को खबर बनाते हैं, और नकारात्मक चीजों को खबर बनाने का दुष्परिणाम क्या होता है, समाज में भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा होता कि नकारात्मक चीजों को अगर एक बार हम आंख बंद कर लें, जैसे कहीं गंदगी है तो क्या हम उस गंदगी में झांकने जाते हैं, क्या गंदगी को इग्नोर करते हैं, उसको नकार जाते हैं? वैसे ही अगर समाज में कहीं नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को एक बार हम नजरअंदाज करना प्रारंभ कर देंगे, तो समाज में एक सकारात्मकता आएगी, एक रचनात्मकता आएगी, और उस रचनात्मकता को पैदा करना ये केवल किसी संसद का या विधायिका का काम नहीं, केवल न्यायपालिका का काम नहीं,
उसको क्रियान्वित करना केवल कार्यपालिका का काम नहीं बल्कि मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें हो सकती है। तो नकारात्मक चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज करें और सकारात्मक चीजें, जहां अच्छा काम कोई कर रहा है उसको अगर हम एक गति दे दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लोग अच्छा करना प्रारंभ कर देंगे, लोग अच्छाई की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे, लोग उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर देंगे और वह चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। जब ये ग्रंथ पुस्तकालयों की शोभा बनेंगी और लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, चंद्रशेखर जी के बारे में 10 लोग 10 प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन चंद्रशेखर जी के भाषण को जब लोग पढ़ेंगे तो समाजवाद के बारे में उनकी अवधारणाएं बदलेंगी। चंद्रशेखर जी के बारे में बहुत सारे लोग 10 लोग मिलेंगे 10 प्रकार की बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके भाषणों को जब वे नजदीक से पढ़ेंगे, जानेंगे, उनकी गहराइयों को जानने का प्रयास करेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें विश्वास है कि चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट अधिक से अधिक पुस्तकालयों तक आदरणीय चंद्रशेखर जी के इन विचारों को पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। यह उस पीढ़ी के प्रति जिसने सही मायने में इस समाज के लिए जीवन जिया था, राष्ट्र के लिए जिनका जीवन होम हुआ है, उन महापुरुषों के लिए इस प्रकार की समितियों का एक समर्पण होगा, इनकी श्रद्धांजलि होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः यशवंत सिंह जी को, जिन्होंने साहस दिखाया है कि हम मुझे बुला दिया इन्होंने कार्यक्रम में, मैंने कहा उनसे, मैंने कहा भी कहा ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत आ गए हो, आपको सत्ता बदल गई है। तो खैर यशवंत सिंह जी पहले भी आते रहे तो पहले से मुलाकात थी, उनकी पढ़ाई तो गोरखपुर में ही हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम जो है चाहते हैं कि हिंदी संस्करण जो आया है इसका हो, और क्योंकि चंद्रशेखर जी से हम लोगों का बहुत नजदीक का राह है, उनको नजदीक से जानने सुनने, उनके सानिध्य में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा कि चंद्रशेखर जी के बारे में एक नया प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि यही होती है महापुरुषों की कृतित्व के बारे में, अगर हम उनके बारे में कुछ कर सकें एक बहुत बड़ी बात है ये भाई, जिस कार्य को लोग उनके पुत्र और उनके परिवार तक हम लोग सीमित कर देते हैं, एक समिति, एक स्मारक समिति जो केवल चंद्रशेखर जी की विचारधारा को लेकर के कार्य कर रही है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, एक सार्थक प्रयास है। मैं यशवंत सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए हृदय से बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक महापुरुष के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास किया है। आपके इस कार्य की सराहना करते हुए मैं स्मारक समिति के सभी सदस्यों को हृदय से साधुवाद देता हूं और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की 91वीं जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी पर लिखी गई ये पुस्तक, जिसका विमोचन करने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ, और चंद्रशेखर के बाबत उन्होंने तमाम चीजें तो कही ही, इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी उन्होंने उठाए। 3 तलाक पर उन्होंने बात की, उन्होंने कॉमन सिविल कोड पर भी बात की कि अगर देश एक है तो फिर कानून एक क्यों नहीं हो सकता, कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता। इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस मौके पर कही। चंद्रशेखर का जिक्र करते हुए बोले कि वो भी समान नागरिक कानून के पक्षधर थे, और अगर देश एक है तो फिर कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता। 3 तलाक के मुद्दे पर जो खामोश है